वहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, मैंने टेस्टिंग वगैरह करी, कोई इशू नहीं था। यहाँ आके ऑन किया, ऑन ही नहीं हो रहा। तो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और इसी के साथ आप लोगों से बोलना, हाँ जी कितना हो जी सारे बढ़िया, चलो यार बढ़िया रहना अपनी तरह। और कुछ चेंजेस दिख रहे हैं लुक में, दिख ही रहे होंगे यार, ऑब्वियसली बात है, देख रहे हो नया लुक लिया नहीं, और देखो कितने सारे फैंस मिल गए। जोक्स अपार्ट, रोहित भैया के पास आया था, एक न्यू लुक लिया यहाँ पे, और थैंक यू सो मच रोहित भैया फॉर दिस लुक। एंड मैं ये शेयर करना चाहूँगा, ही इज लाइक मोस्ट लॉयल क्लाइंट फॉर मी, एंड ही इज कमिंग हियर फ्रॉम पास्ट वन ईयर एट रॉयलर रामनगर, सो यू गाइस कैन विजिट इफ यू वांट दिस लुक। ओके मोस्टली, और मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा। जो ये लुक्स आया है ना, सिर्फ तोसी भाई की वजह से। आज 4 महीने से मैं हेयर्स को ग्रो कर रहा था और पटका पहन रहा था, मींस लिटरली इरिटेट हो गया था, क्योंकि पग बांधने की आदत रही नहीं है, पटका भी पहनता था तो बहुत सारे मेरे को एक्ने हो रहे थे, इतनी ज्यादा इरिटेटिंग हो रही थी ना, मतलब जब हेलमेट भी पहनता था राइडिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। और स्पीति राइड करने के बाद से जब से आया हूँ, फेस की इतनी गंदी हालत हो रही थी ना, मगर उसके बाद यहाँ आने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। रेनू मैम ने बहुत हेल्प करी है इस चीज के लिए, इतना प्यारा फेस लुक दिया है। बट एक चीज बोलूंगा, मैम ने रुलाया बहुत, तुम मेरा जोक सा पार्टी भी यार, एक्चुअल में क्या है, जब फेस क्लीन करते हैं तो नोज पिकल से हमें करना पड़ता है, मैम को, मेरे को नहीं पता उस चीज के बारे में, बट हाँ यार कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा ना। एक गुड न्यूज और है, मैम ने मेरी बिलिंग फ्री करा दी, मैम कह रही है आप जाओ मैं पेंट कर दूंगी, थैंक यू सो मच मैम, बाकी थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच। बाकी रोहित भैया एक बार आप सैलून की डिटेल्स दे दीजिए, ताकि और आने वाले कस्टमर्स को इजीली रहे। सो वी ऑलरेडी शेयर द डिटेल्स एट हिज पेज, आप इनको भी फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और इनकी वीडियोस लाइक करो। इवन इसके साथ साथ रोलर इंस्टाग्राम पे आप फोकस कर सकते हो। यू गाइस विल गेट सो मेनी डिस्काउंट्स टुडे, वी आर लॉन्चिंग सम अगस्त ऑफर्स, सो यू कैन विजिट इट। एंड ये जो भी है शाहदरा के नियर बाय है, 1 किलोमीटर में, आप जैसे ही गूगल करेंगे रोलर रामनगर, सो विल गेट द डिटेल्स। थैंक यू, थैंक यू सो मच रोहित भैया, थैंक यू। नहा धो के बाबू बच्चा फिर से हो गया रेडी, और हेयर कट बहुत ही अच्छा आया, मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को, अब पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अभी थोड़ा सा और ग्रो करेंगे क्योंकि बाल पहले से शॉर्ट हो गए हैं और सेट करने के चक्कर में, बट कोई नहीं, और अच्छे अभी ग्रो हो जाएंगे तो और अच्छा लुक आ जाएगा। बाकी आज वैसे डे 2 है, मतलब नेक्स्ट डे है जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह पे, मेरे को लैपटॉप लेना है। मैं आपको जैसे बताया था हरिद्वार वाले व्लॉग्स में, आपने देखा होगा मेरा कि लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो मतलब इसमें एक इशू आ रहा था, पता नहीं अब इसके ग्राफिक कार्ड में इशू आ रहा है या इसके SSD में इशू आ रहा है, मेरे को अभी नहीं पता, इसको बाद में चेक करेंगे। और वैसे भी यार ऑलरेडी 7 to 8 ईयर्स हो चुके हैं इस लैपटॉप को, बाकी लैपटॉप बेस्ट है मेरे को जहाँ तक लग रहा है, ग्राफिक कार्ड का इशू है, बट कोई नहीं, अभी विनू भैया ने एक जगह बताई थी मेरे को, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है, मतलब क्या क्या अवेलेबल है। वैसे सेकेंड हैंड लैपटॉप अवेलेबल है, अगर मैकबुक मेरे को मिल जाएगा तो मैकबुक ले लूँगा, अच्छी कंडीशन में होगा तो कम रेंज में होगा तो मैकबुक फाइनल कर दूंगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके फाइनल, देखते हैं एक बार मैकबुक यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें वीडियो एडिटिंग और अच्छी होती है, कुछ एप्पल के सॉफ्टवेयर वगैरह भी हैं तो उसमें इजीली एडिट हो जाती है। एक तो यार इसमें क्या कहते हैं, लास्ट टाइम आपको बता होगा करोल बाग जब गया था, इसका मोबाइल कवर नहीं मिल पाया था मुझे, और जो मिल रहा था वो ओपन वाला था, मगर वो भी सेट नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ इसका हैंडल मॉडिफाइड है, इसलिए वो एडजस्ट ही नहीं हो रहा है इसमें, समझ ही नहीं आ रहा। अब इतना बड़ा उसका नुकसान है ना कि मतलब मेरे को GPS लगा के फ़ोन जेब में रखना पड़ा और V6 कनेक्ट करना, V6 कनेक्ट करके फिर मैंने उसे अनम्यूट पे किया GPS को, वो बोल रही है और इंस्ट्रक्शन दे रही है GPS और मैं उसके फॉलो करूँगा, मतलब ठीक है यार, लाइफ में इतने सारे पंगे चल रहे हैं ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करा जाए और क्या नहीं, कभी कुछ ख़राब हो रहा है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, पता नहीं भाई क्या हो रहा है ज़िंदगी में, समझ नहीं आ रहा। अभी भी मतलब बाइक अच्छी खासी खड़ी थी, संडे राइड से लेके आए हैं, वो अच्छी खासी चल रही थी, सब कुछ था, कोई इशू नहीं था। अब जाके मैंने बाइक ऑन करी, मतलब बाइक पार्किंग से निकाल ली, और निकालने के बाद जैसे ही मैं सेल्फ लगा रहा हूँ बाइक में, सेल्फ ही नहीं चल रहा,
मतलब यार इतना ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा खासा संडे राइड से आया, कुछ भी इशू नहीं था। फ़ोन था, फ़ोन में एक स्पॉट आ गया, इतना छोटा सा स्पॉट आया और वो फैलते फैलते पूरे फ़ोन में फैल गया। मतलब यार उसकी मतलब फिर मैंने डिस्प्ले दिखाई, कह रहे कि 8-9 हज़ार रुपये की डिस्प्ले डलेगी। इतने का तो यार वो फ़ोन नहीं है जितने की उसकी डिस्प्ले है। अब मैं क्या करूँ, फिर नया फ़ोन लेना पड़ा। मतलब यार लाइफ में इतने ज़्यादा इशूज़ हो रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहा। कभी ये ख़राब हो रहा, कभी वो ख़राब हो रहा, कभी वो ख़राब हो रहा है। बाकी लैपटॉप ले लिया है और अभी ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो कि उसमें वो सॉफ्टवेयर का मतलब वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, मीन्स वो चलेगा कि नहीं चलेगा, कन्फ्यूज़ हूँ अभी भी। बट इसी बात पर भैया ने एक बोनस पॉइंट दे दिया मेरे को कि आप उसे कल तक यूज़ कर लो, अगर आपका नहीं चलता है तो मुझे बता देना, फिर मैं आपको एक्सचेंज करके दूसरा लैपटॉप दे दूंगा। तो वहाँ से लैपटॉप लेके तो आ गया, बट यार सीरियसली अभी जो रास्ते में बात कर रहा था आप लोगों से वही हुआ, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ ना यहाँ आके। एक्चुअल में दिखाता हूँ मैंने लैपटॉप लिया कौन सा है। मैं लेके आया था मैकबुक एयर, वहाँ पर अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, मैंने टेस्टिंग वगैरह करी, कोई इशू नहीं था। यहाँ आके ऑन किया, ऑन ही नहीं हो रहा। फिर मैंने वो दोबारा वहाँ पे शॉप पे फ़ोन किया कि भैया ये तो ऑन ही नहीं हो रहा यहाँ पे आके, और उनका चार्जिंग लगा रखा। मैंने कहा चार्जिंग ही फुल हो गई है इसकी, मतलब इतनी जैसे चार्जिंग पे लगा रखा था, उसके बाद जाके आपको फ़ोन किया कि यार ये ऑन ही नहीं हो रहा। अब फिर उन्होंने बोला कि यार इसके OS में दिक्कत है। यार OS में दिक्कत है, आपको पता होगा कि भाई इसके OS में दिक्कत है, आपको सेल ही नहीं करना चाहिए था यार। आप कर रहे हो तो मेरे को ये बोल देते यार कि ठीक है भैया अगर आपको ये लेना है तो आप पैसे जमा करा दो, हम इसको रख लेंगे, फिर आपको इसके OS में दिक्कत है ये चीज़ चेंज करके दे देंगे। पता नहीं यार क्या अपनी लाइफ में चल रहा है, मतलब पैसे भी दे दिए, खाली डब्बा लेके आ गया हूँ, क्या करूँ अब मैं इसका। यार इतना ज़्यादा परेशान हो रखो ना हर चीज़ों से, कभी बाइक में कोई इशू आ रहा है, कभी कैमरा में कोई इशू आ रहा है, कभी लैपटॉप में कोई इशू आ रहा है, हर जगह से परेशान। बाकी यार कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी तो वैसे उन्होंने बोल दिया, वो कह रहे हैं कल इसे ठीक करके दे देंगे। मैं अभी इसे सीरियसली बोलूँ मैं इसे लेने वाला नहीं हूँ इस पीस को, अगर दूसरा मैकबुक होगा तो वही लूँगा, इसे नहीं लेने वाला। अभी लेते ही यार OS में दिक्कत है, पता नहीं कल को क्या और दिक्कत निकले क्या ना निकले, तो इससे बेटर है कि इसे चेंज ही कर दूंगा। बाकी एक चीज़ और, थैंक यू विनू भैया, आपकी रेफरेंस से गया तो वहाँ पे वो चेंज भी और करके दे रहे हैं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि अगर कहीं और से परचेज करता ना तो कोई भी चेंज नहीं करके देता। वो कहते हैं हमारे यहाँ से जाने के बाद गारंटी खत्म। ऐसे तो उन्होंने एक महीने की और भी मेरे को वारंटी दी थी कि हाँ सॉफ्टवेयर वगैरह या हार्डवेयर में कोई भी इशू आता तो हमारी वारंटी है, हम उसे ठीक करके देंगे। बट थैंक्स टू यू विनू भैया सो मच कि यार आपने मेरे को रेफरेंस तो दिया। कोई नहीं यार, देखो वो डिवाइस है, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट थैंक्स टू यू कि यार आपकी रेफरेंस से गया इसलिए वो चेंज करके भी दे रहे हैं, नहीं तो कोई मेरे को पता कोई भी चेंज नहीं करके देता। थैंक यू सो मच विनू भैया। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, चंगा जी, सत श्री अकाल।